कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है और किस तरह से अपनी सेफ्टी की जा सकती है, इसे लेकर नव भारतीय शिव वातुक संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें भी सेफ्टी के लिए बाकायदा मास्क दिया और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरह से 24 घंटा पुलिस विभाग हमारे लिए काम कर रही है, ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अहम है। नव भारतीय शिव वातुक संगठन का यह प्रयास काफ़ी अहम माना जा रहा है। नव भारतीय शिवातु संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफा साहब की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, जिस मुहिम को हमने आज मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हमने जो है वहाँ पे उनकी ट्रैफिक चौकी में जाके उनको मास्क बांटा और ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है हम पूरे मुंबई के अंदर ये जो है मुंबई महाराष्ट्र और पूरे देश में ये हम जो है जो ट्रैफिक जो है आज लोगों को जो है सबसे मेन जो है ट्रैफिक जो है लोगों को ट्रैफिक निकालने का काम करती है, लेकिन आज उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दीजिए। हमारी जो संगठन है नव भारतीय शिव वातुक संगठन के अध्यक्ष हाजी अरफा साहब की ये बहुत बड़ी मुहिम है और इंशाल्लाह ये हम पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में और पूरे देश में इसको पूरी मुहिम को चलाएंगे। नव भारतीय शिव वातुक संगठन की तरफ से मुंबई के कई इलाकों में इसी तरह का एक कार्यक्रम लिया गया, जहां पर सड़कों पर उतरकर महिलाओं ने भी लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए और सेफ्टी किस तरह से रखी जाए इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई। महिला कार्यकर्ताओं ने बाकायदा मुंबई में मीरा रोड का इलाका हो, घाटकोपर का इलाका हो, अंधेरी का इलाका हो, इन सभी पुलिस स्टेशनों के आसपास पुलिसकर्मियों को मास्क दिया। साथ ही जिस तरह से वो हमारे लिए 24 घंटा काम करते हैं उनकी दिल से सुरक्षा देने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। मुंबई में कई इलाकों में इसी तरह के कार्यक्रम लिए गए, महिला कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर किस तरह से सुरक्षा हम बरकरार रख सकते हैं और इस बीमारी से जीत सकते हैं इसे लेकर पूरी तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए, इसे लेकर बाकायदा सभी को मास्क दिया और कहा कि अब जब घर से निकलते हैं तो उस दौरान मास्क ज़रूर पहने, यही मास्क हमें बीमारी से बचा सकता है और साथ ही आने वाले दिनों में कई बड़े खतरों से भी बचा सकता है। नव भारतीय शिव वातुक संगठन के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने अपना हिस्सा लिया और बाकायदा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी इस मुहिम में शामिल की। जिस तरह से लोगों के बीच में जागरूकता को लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और अपने घरों से नहीं निकलने का आह्वान किया जा रहा है और ज़रूरत हो तो ही सड़कों पर निकले इस तरह के आह्वान किया जा रहा है, ऐसे में लोगों की सुरक्षा ही एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। जिस तरह से आम पब्लिक के साथ जिस तरह से पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लोगों के बीच अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, लोग अपने घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, साथ ही सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, सुरक्षा की दृष्टि से तभी इस पूरी लड़ाई में जीत हो सकती है। जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं मरीजों को लेकर, इससे काफ़ी जो आम पब्लिक है उसमें एक डर का माहौल है, ऐसे में सुरक्षा ही एक अहम उपाय है, लगातार सरकार की तरफ से भी आह्वान किया जा रहा है। ये जो प्रयास है नव भारतीय शिव वातुक संगठन का एक अहम प्रयास माना जा रहा है कि लोगों को किस तरह से अपनी सुरक्षा रखना चाहिए, किस तरह से पुलिस अधिकारी जो 24 घंटा हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं बिना किसी डर खौफ के कि ये बीमारी के दौरान भी उनके भी परिवार हैं उनके साथ भी किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसका खास करके ख्याल रखा जाए, तो लोगों को साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी मास्क दिया गया ताकि वो अपनी सुरक्षा पूरी तरह से बरकरार रखें और लोगों के बीच में जब वो जाते हैं तो किस तरह से अपनी भी सेफ्टी करनी चाहिए, इस तरह का प्रयास किया गया। नव भारतीय शिव वातुक संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर बाकायदा पूरी कोशिश की है कि सभी को जागरूक किया जाए और एक मैसेज समाज में देने की कोशिश की जाए, उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसे सहयोग भी बाकायदा मुंबई के पुलिस वालों ने भी दिया और इस पूरे मुहिम में वो शामिल हुए और अपनी बातें रखी। नव भारतीय शिव वातुक संगठन के अध्यक्ष हाजी अरफा शेख का मानना था कि ये जो पूरा माहौल चल रहा है इस दौरान लोगों की सुरक्षा ही अहम मुद्दा है, खास करके पुलिस वाले जो हमारे लिए 24 घंटा सड़कों पर रहते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी प्रयास किया जाए। यही साफ नज़ारा यहाँ पे मुंबई में देखने मिल रहा है, जिस तरह से महिला कार्यकर्ता लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, पुलिस वाले से चर्चा कर रहे हैं, उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि आज हमारे सारे स्कूल कॉलेज और सब बंद हैं, बैंक वगैरह सब, लेकिन आज हमारी जो
पुलिस है हमारा जो हमारा साथ दे रही है हर मतलब ना कोई एंटिक डोज के बिना एंटिक डोज के भी वो हमारे साथ है और हमारा साथ दे रही है। तो आप लोग को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और इसी तरीके से आप हर वक्त हमारा साथ देते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब बंद है, घर पे हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं घर पे हैं, लेकिन वो अपने घर की फिक्र छोड़ के वो हमारे साथ खड़े हैं और इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया आप लोग का करना चाहते हैं। इसके लिए मैं थाने ग्रामीण वाहतूक शाखा की तरफ से हमारे पुलिस अधीक्षक माननीय श्री डॉक्टर शिवाजी राठौड़ साहब, हमारे स्पेशल आईजी साहब निकेत कौशिक साहब, इनके तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नव भारतीय शिव वाहतूक संगठना राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी अरफाज शेख साहब की तरफ से आज हम ये मास्क वितरण कर रहे हैं जिसमें हमारा साथ दे रहे हमारे सर, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ है। एक नेक काम में आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि आज हमारे सारे स्कूल कॉलेज और सब बंद हैं, बैंक वगैरह सब, लेकिन आज हमारी जो पुलिस है हमारा जो हमारा साथ दे रही है हर मतलब ना कोई एंटिक डोज के बिना एंटिक डोज के भी वो हमारे साथ है और हमारा साथ दे रही है। तो आप लोग को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और इसी तरीके से आप हर वक्त हमारा साथ देते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब बंद है घर पे हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं घर पे हैं, लेकिन वो अपने घर की फिक्र छोड़ के वो हमारे साथ खड़े हैं और इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया आप लोग का करना चाहते हैं। आपको काफ़ी इसके लिए मैं थाने ग्रामीण वाहतूक शाखा की तरफ से हमारे पुलिस अधीक्षक माननीय श्री डॉक्टर शिवाजी राठौड़ साहब, हमारे स्पेशल आईजी साहब निकेत कौशिक साहब, इनके तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर।